दोस्तों BSNL और MTNL के रिवाइवल को लेके बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। BSNL MTNL के पुनरुद्धार के लिए दूरसंचार विभाग ने तैयार किया प्लान कैबिनेट को भेजा। जी हाँ दोस्तों, BSNL और MTNL के रिवाइवल को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने प्लान को तैयार कर दिया है और जो भी दोस्तों उन्होंने प्लान बनाया है वो उन्होंने कैबिनेट को भेज दिया है। और दोस्तों अगले हफ्ते में, यानी कल से अगले हफ्ते में जो भी स्टार्ट होने वाला है कैबिनेट की मीटिंग, उसमें दोस्तों ये डिस्कस हो जाएगा BSNL और MTNL के रिवाइवल को लेकर। मतलब दोस्तों ये क्लियर है कि अगले हफ्ते तक BSNL और MTNL के रिवाइवल पे कोई बड़ा न्यूज़ आने वाला है। अब दोस्तों अगर न्यूज़ में आगे देखें, दैनिक जागरण लिखते हैं दोस्तों कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL को दोबारा खड़ा करने के लिए टेलीकॉम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने कैबिनेट को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें दोनों कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए 74,000 करोड़ रुपये लगाने की योजना है। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए 4G स्पेक्ट्रम और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसा कि आप लोगों को पहले भी ये न्यूज़ मिल चुका है मेरे चैनल पे कि 74,000 रुपए डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने प्रस्ताव रखा था फाइनेंस मिनिस्ट्री से, जिसमें से दोस्तों 22,000 करोड़ में क्या था, 4G स्पेक्ट्रम देना था BSNL और MTNL को और VRS स्कीम लागू करनी थी। दोस्तों आगे ये लिखते हैं, एक आधिकारिक सूत्र ने मंगलवार को कहा कि दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का कदम MTNL और BSNL के पुनरुद्धार की उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति के बाद आया है। BSNL और MTNL के पुनरुद्धार के लिए दूरसंचार मंत्रालय की ओर से भेजा गया फैसला इस महीने कैबिनेट में पास किया जाएगा जिसमें वित्त मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों की राय शामिल होगी। इसमें कई अन्य मंत्रालयों की ओर से दिए गए प्रश्नों, जवाबों और टिप्पणियों के लिए नोडल मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी शामिल होगी। मतलब दोस्तों जैसा कि एकदम क्लियर है यहाँ पे कि इन्होंने एक, जैसा कि मिनिस्ट्री, सभी मिनिस्ट्री मिल के BSNL और MTNL के पुनरुद्धार को लेके जो भी डाउट्स थे उसे क्लियर करते हुए दोस्तों ये प्रस्ताव कैबिनेट में अगले हफ्ते तक पास हो जानी है। जैसा कि दोस्तों दैनिक जागरण लिखते हैं कि सूत्र ने बताया कि कैबिनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को वित्त मंत्रालय की ओर से उठाए गए मुद्दे पर गौर करके उस पर जवाब देने के लिए कहा था। उसने बताया कि जब कैबिनेट सचिवालय इसे अपने एजेंडे में शामिल करेगा तो हम प्रस्ताव भेज देंगे। सूत्र के मुताबिक कुल पैकेज 74,000 करोड़ रुपए का है जिसमें से 4G स्पेक्ट्रम आवंटन निधि 22,000 करोड़ रुपए, BSNL के लिए 16,000 करोड़ रुपए और MTNL के लिए 6,000 करोड़ रुपए होगी। मीन्स जो ये 4G स्पेक्ट्रम के लिए, दोस्तों यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली उसको डिवाइड भी कर दिया है कि 16,000 रुपए BSNL के लिए रहेगा और 6,000 करोड़ रुपए MTNL के 4G के लिए रहेगा, जबकि बची हुई राशि VRS के लिए होगी जिसका वहन कंपनियाँ करेंगी। मीन्स दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 22,000 करोड़ सिर्फ 4G के लिए मिल रहा है और बाकी की जो रकम है दोस्तों वो VRS के लिए मिलेगा। मीन्स दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि VRS स्कीम लाने वाली है ये मंत्रालय। ये कैबिनेट मीटिंग के बाद इतना तो दोस्तों फिक्स हो गया है कि VRS की कोई स्कीम अच्छी आने वाली है। BSNL के पास कर्मचारियों का वेतन भुगतान का 850 करोड़ रुपए बकाया है जबकि ऑन रोल इनके कर्मचारियों की संख्या 1,76,000 है। सोमवार को BSNL के अध्यक्ष ने कहा कि एक महीने में पुनरुद्धार पैकेज सामने आ जाएगा। कंपनी को 16,000 करोड़ रुपए का मासिक राजस्व मिलता है, इसका एक बड़ा हिस्सा परिचालन और वैधानिक भुगतान के लिए किया जाता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 में 13,804 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया। दोस्तों मोटी बात यह है कि कैबिनेट के लिए भेज दिया गया है BSNL और MTNL का रिवाइवल, और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते तक BSNL और MTNL के रिवाइवल को लेके काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी न्यूज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और उनके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा जिनको BSNL और MTNL के रिवाइवल को लेके काफ़ी प्रतीक्षा थी। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा और बने रहिए मेरे चैनल के साथ।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।